इस दुनिया में जो सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी पावर, वो है डिजायर की पावर. डिजायर, ये डिजायर ही है जो हमारे मन को इधर उधर भटका रहा है. डिजायर ही तो है ना, डिजायर फॉर प्लेजर, डिजायर फॉर समथिंग, डिजायर फॉर डूइंग समथिंग, डिजायर फॉर गेटिंग समथिंग. पूरी दुनिया को यही तो भगा रहा है. अगर इस दुनिया से आप डिजायर निकाल दो लोगों के दिलों में से, क्या होगा? सब कुछ रुक जाएगा एक दिन के अंदर अंदर. ऑल विल कम टू अ हॉल्ट. डिजायर भगा रहा है. तो डिजायर से आप नहीं जीत सकते, तो करें क्या? सॉल्यूशन क्या है? ये डिजायर की आपकी पावर, जिसमें इतनी पावर है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. यू कांट इवन इमेजिन कि अगर आपके अंदर एक डिजायर उठ जाए कि मेरे को कोई ऐसी चीज डिस्कवर करनी है जो आज तक पूरी दुनिया में कभी किसी ने ना करी, ये डिजायर उठ जाए और वो पनपने लग जाए अंदर ही अंदर, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वो डिजायर आपके थ्रू काम करने लग जाएगा, आपसे काम करवाएगा वो डिजायर. पहले पहले हम अपने डिजायर्स को चुनते हैं, बस यहीं तक है हमारी पावर. उसके बाद हमारी पावर खत्म. अब डिजायर की पावर है. डिजायर बड़ा है बहुत, तो आपके अंदर से इतनी बड़ी एनर्जी आएगी कि वो आपसे वो काम करवा देगी, चाहे वो काम सही हो या गलत हो. ये डिजायर का खेल है सारा का सारा. हा? और इसी तरह से अगर ये डिजायर की पावर कम है तो ऑटोमेटिकली वो ला करके आपको रोक देगी. तो करें क्या? एब्सोल्युटली सिंपल. मैं आपको बताता हूं अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल कि ये चीज मैंने कब सीखी और किस तरह से मैंने अप्लाई करी डिजायर की पावर. एट द एज ऑफ अराउंड 21 मैंने तब तक करीबन 8-10 अलग अलग तरह के बिजनेसेस कर लिए थे. और एक बिजनेस मैंने किया 3 और पार्टनर्स के साथ, मतलब उसमें टोटल 4 पार्टनर्स थे. एक कंपनी खोली, 6 महीने तक वो कंपनी चली और बुरी तरह से फेल हो गई. कंपनी सक्सेसफुल हो गई, लेकिन जब वो कंपनी बंद हुई पार्टनरशिप में डिफरेंसेस की वजह से, तो मेरे हाथ में एक रुपये भी नहीं आया. एंड आई वॉज लाइक के पूरी तरह से खत्म, जमीन पर आकर के गिर गया था. मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं अब आगे क्या करने वाला. और करीब करीब 1 महीने तक मैं बस घर में आराम से बैठा हुआ था. यू कैन कॉल इट अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेस था, अपने कमरे में ही रहता था मैं ज़्यादातर. और 1 महीना हो गया. अपना एक डायरी मैंने खरीदी थी आर्चीज़ की एक डायरी थी लॉक वाली, मुझे अभी भी याद है. और उसके अंदर मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस लिखता रहता बैठ करके, दिन में 2 घंटा 3 घंटा. बाकी टाइम बैठा रहता, टीवी देख लिया, टाइम पास कर लिया, किसी तरह से अपने उस फेलियर को भूलने की कोशिश कर रहा था. बिकॉज इट वॉज अ बिग फेलियर फॉर मी. सबको मैंने बोल दिया था अब देखना क्या होगा, ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी होगी, ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या बोल दिया था. उस टाइम एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है उस एज में, बहुत ही ज़्यादा होता है. सबको मैंने बड़ी बड़ी बातें कर दी थी. हुआ क्या? सब खत्म, सब जीरो. और उसके बाद मैं आगे कुछ नहीं पता कि क्या करना है. तो वो डायरी मैंने खरीदी और उसके अंदर अपना एक्सपीरियंसेस लिखने शुरू कर दिया. ये हुआ, ये हुआ. यहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी कि कभी भी हमको अपने फेलियर्स को अपने मन में नहीं रखना चाहिए. अगर ये फेलियर्स हमारे मन में रह जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान वहाँ पर जाना ही जाना है. तो मैंने लिखना शुरू कर दिया, मेरे साथ में ये हुआ, मेरे साथ में वो हुआ. जितना मेरे को फ्रस्ट्रेशन थी बाकी के उन पार्टनर्स के ऊपर, वो मैंने लिख करके निकाल दी. लिख दिया जो भी लिखना था उसके अंदर. अब वो बता नहीं सकता आपको क्या क्या लिखा था, क्या क्या किया था. लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया. और करीब करीब 20-25 दिन या 1 महीना हो गया होगा जब वो डायरी के लास्ट के 2 पेज रह गए थे. तो मैंने क्या किया, अपना जिस टेबल पर बैठ करके मैं डायरी लिखता था उसमें से एक ड्रॉअर निकाला, रात के करीबन 12-1 बजे होंगे, वो निकाला, उसमें से एक स्टेपलर को ऐसे किया, स्टेपलर पड़ा हुआ था उसको ऐसे किया, उसमें से पिन निकली, पिन को ऐसे खोला, पिन को लिया और यहाँ पे चुभा दिया अपने हाथ के ऊपर, एक इस फिंगर के ऊपर ऐसे चुभाया, इसमें से खून आया. एंड आई लिटरली रोट इट विद माई ब्लड ऑन दैट डे. मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर भी पाऊँगा या नहीं, लेकिन एक बात पक्की है कि अगर मैं कुछ भी ढंग का कर गया ना अपनी ज़िंदगी में, तो मैं अपनी उस सक्सेस को अपने तक नहीं रखूँगा, शेयर करूँगा उन सब लोगों के साथ में जो मेरी तरह ही इस फेस से निकल रहे हैं. मैं तो रो लिया जितना रोना था, किसी और को नहीं रोने दूंगा, आगे आ जाऊंगा उनके. मैं हार रहा हूं कोई बात नहीं, किसी और को नहीं हारने दूंगा, उनको नहीं टूटने दूंगा, सामने आकर के ढाल बन के खड़ा हो जाऊंगा और आकर के उसको कहूंगा चल खड़ा हो, चल आगे बढ़.
ये एक छोटा सा थॉट था, छोटा सा. इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आई वॉज इन सो मच ऑफ पेन, मतलब अंदर से मैं पूरे तरीके से टूटा हुआ था. मेंटल पेन, मतलब पूरे तरीके से माइंड इतना 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 ज़्यादा परेशान था. तो उसी परेशानी से ये चीज़ एक आवाज़ उठ करके आई अंदर से कि यार मैं तो परेशान जो हूँ सो हूँ, बस आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, ऐसे करके. और एक वो दिन था, एक आज का दिन है. उस बात को हो गए हैं करीब करीब 13 साल. मैंने लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. फेलियर्स आए, बहुत फेलियर्स आए, बहुत प्रॉब्लम्स आई, दर्द को सहने की ताकत आ गई. और ऐसी ताकत आई कि मैं आपको बता नहीं सकता, वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता. तो हुआ क्या, जैसे ही मेरे अंदर ये एटीट्यूड आया, ये छोटी सी चीज आई कि मुझे कुछ करना है, ऑटोमेटिकली मेरे एक्शंस बदल गए, मेरे सोचने का तरीका बदल गया, थॉट्स बदल गए. जो हमारे थॉट्स है ना, वो आते हैं डिजायर से. जैसे भी आपके अंदर डिजायर्स दबे हुए हैं, उसी तरह की आपकी सोच है. कभी भी देख लेना, यहां पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, जैसे आपके अंदर डिजायर्स होंगे अभी एग्जैक्ट वैसे ही आप सोच रहे होंगे. सपोजिंगली किसी के अंदर है पैसा 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 पैसा, ये डिजायर है पैसे का, तो पता है क्या सोच रहा होगा जब से सुबह से यहां पर आया? अब देखो मैं माइंड रीडिंग कर सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं. वो सोच रहा होगा बैठा बैठा कि यार ये सब करने का पैसा कहां से आता है? आता है हाँ? उसी तरफ से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए यहां पर, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सेल्फी एडिक्ट हैं, जिनको हर 5 मिनट बाद एक अपनी सेल्फी चाहिए. तो वो सुबह से ये नहीं सोच रहे होंगे कि पैसे के बारे में, वो ये दिमाग नहीं लगा रहे होंगे. आई एम 100% श्योर ऐसे बहुत सारे होंगे यहां पर, वो सुबह से ये सोच रहे होंगे किस तरह से मेरी संदीप के साथ में एक सेल्फी क्लिक हो जाए, कितने लाइक्स आएंगे. आप सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, डिजायर्स को कंट्रोल कर सकते हो. डिजायर्स को बदलते ही सोच बदल जाएगी, सोच के बदलते ही एक्शंस बदल जाएंगे, एक्शंस के बदलते ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी. सो सिंपल. तो हुआ क्या, मेरी सोच उस एक मोमेंट में जब बदली, तो मेरे अंदर से आया कि अब मुझे कुछ करना है उन लोगों के लिए जिनको मेरी जरूरत है. लेकिन उनके लिए करने से पहले पहले मुझे कुछ बनना तो पड़ेगा. ये थोड़ी कि मैं खुद बिजनेस में फेल हो गया और यहां पर आकर के आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूं. जेब में खाने के लिए पैसा नहीं है, बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए पैसा नहीं है, और आकर के आपसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, क्या होगा? तो कहेंगे चल हट साइड हो. बहुत लोग मुझसे पूछते हैं मेरे सेशंस में कि मैं कुछ करना चाहता हूं आपके जैसा, क्या करूं? मैंने कहा भाई सबसे पहले अपने लिए कुछ कर. तो मोमेंट यू हैव दैट थॉट, लाइफ चेंजेस. एक बंदा जिसका डिजायर ही इतना सा है कि यार किसी भी तरह से मेरे को 10,000 रुपए की नौकरी मिल जाए, किस तरह के थॉट्स होंगे उसके? किस लेवल का एक्शन होगा उसका? क्या वो बहुत बड़े लेवल पे एक्ट करेगा? क्या मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये होगा वो होगा, क्या करेगा? कहेगा बस कहीं से भी 10,000 रुपए की नौकरी मिल जाए. उसकी सोच उस 10,000 रुपए से आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि उसका डिजायर 10,000 रुपए तक है. वो उसको आगे बढ़ने ही नहीं देगी उसकी सोच को. और 10,000 का 11,000 रुपए मिल गया तो वो तो बल्ले बल्ले करेगा बैठ करके, बस हो गया मेरा काम, लाइफ सेट. कि मेरे आसपास में जो लोग हैं उनकी सैलरी है 8,000 और मेरी है 11,000, देखो मैंने तो कर लिया जो करना था लाइफ में, खेल खत्म. तो करें क्या जब हमारे डिजायर्स हमारे फ्यूचर को डिफाइन करने वाले हैं? यहां तक तो समझ आ रहा है. तो करना क्या है कि जब डिजायर चूज करना ही है तो बड़े से बड़ा चूज करो ना, बड़े से बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा, बड़े डिजायर्स, बड़े डिजायर्स, बड़ी सोच, बड़ी सोच, बड़ा कॉन्फिडेंस, बड़ा कॉन्फिडेंस, बड़े एक्शंस. बड़ा करना है. और सबसे बड़ी चीज इस दुनिया में पता है क्या है? सबसे बड़ी चीज, सबसे ज्यादा पावर जहां से आती है, मैंने आपको अपना ये जो एक्सपीरियंस बताया ना, ये जो छोटी सी ये जो थॉट आया था और जाकर के वो मैंने अपने खून से लिखा था उसके ऊपर, डायरी के ऊपर 2 पेजेस में ये जो चीजें लिखी थी, उससे हुआ क्या, somehow आई एम फीलिंग फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स कि कुछ पावर्स हैं कहीं पर जिन्होंने आ करके मेरे थ्रू काम करना शुरू कर दिया है. देयर इज समथिंग विच इज देयर, मेरी समझ से बाहर है, वो क्या है? देयर इज सम पावर विच इज हेल्पिंग मी टू डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू. क्या मुझे सोचना भी नहीं पड़ता, ये डिजायर है ना, उसके अकॉर्डिंग, इस डिजायर के अकॉर्डिंग थॉट्स अपने आप आ रहे हैं, थॉट्स के अकॉर्डिंग काम अपने आप हो रहा है. कैसे हो पा रहा है ये? मेरी समझ से बाहर है. अगर मैं ये कहूं मैं कर रहा हूं ये सब कुछ, तो भाई मेरी समझ से बाहर है, मैं कैसे कर सकता हूं?
मेरे ऐसा बेवकूफ आदमी मैं कैसे कर सकता हूं? ये मैं नहीं कर रहा, आप भी जो कर रहे हो वो आप नहीं कर रहे, कोई भी इस दुनिया में जो कर रहा है वो नहीं कर रहा, समझो इस चीज को। अरे हमारे जो डिजायर्स हैं अंदर दबे हुए वो हमसे काम करवा रहे हैं, हमको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर रहे हैं। डिजायर क्या है? बीज की तरह है, एक बार वो बीज गया तो उसने पेड़ बनना ही बनना है, उसके बाद रोते रहो। अगर वो बीज नीम का है तो नीम का पेड़ लग गया, अब वापस से आम का पेड़ लगने में बहुत साल लगेंगे, वो भी तब अगर आप आम का बीज बोने के लिए तैयार हो तो। नीम के पेड़ को ऊपर ऊपर से काटते रहो, करते रहो, कोशिश करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। बोलते रहो जिंदगी कड़वी है, मजा नहीं आ रहा, सब कुछ मिल गया तब भी मजा नहीं आ रहा, सेटिस्फैक्शन नहीं है, खुशी नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। तो वो काम हो सकता है सिर्फ उस बीज को बोने से पहले, और ये बीज बोने का जो राइट टाइम है वो है आपकी एज में, जो यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। दिस इज द परफेक्ट टाइम कि इस वक्त जो बीज अंदर चला गया गहराई तक हमारे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर नहीं, दिमाग को तो ये दिल यूज करेगा, एक बार दिल में वो बीज जाए तो सही, दिमाग को दिल इंस्ट्रक्शन देगा कि चल बेटा तू ये कर, दिमाग दिमाग लगाएगा कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, बॉडी फॉलो करेगी, बॉडी कहेगी आने दे जितना दर्द आ रहा है सहूंगा, दिल कहेगा माइंड को चुप, जितना दर्द आ रहा है आने दे, पढ़ने का मन नहीं कर रहा पढ़, ये करने का मन नहीं कर रहा कर, कोई और ऑप्शन नहीं है तुझे करना ही पड़ेगा, माइंड घुटने टेक देगा, क्योंकि माइंड से जो बड़ी ताकत है वो हमारे दिल के अंदर है। वो क्या है मैं उसको कोई नाम नहीं दूंगा, उसको आप डिजायर की ताकत कह सकते हो, डिजायर, कमाल का डिजायर। और वो डिजायर क्या हो सकता है अगर मांगना ही है तो? मैं क्या मांगता हूं जब मेरे अंदर ये थॉट आया, ये वाला डिजायर पनपा कि मुझे कुछ करना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो उसके साथ साथ में क्या आया कि कुछ भी करने के लिए पहले मुझे खुद कुछ बनना पड़ेगा, उसके लिए दिन में 18-18 घंटे काम करना पड़ रहा है, करूंगा, क्या करना पड़ रहा है, करूंगा। बार बार फेल होने के बाद भी जब दुनिया घुटने टेक देती है ऐसे फेलियर के बाद में, मैं दोबारा खड़ा हो जाऊंगा, एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करूंगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है बर्बाद करने के लिए, जो करना है वो इतना बड़ा है कि मेरी जिंदगी से बड़ा है। कोई भी लड़ाई हो जिंदगी की, कैसी भी, कोई भी कैसी भी, ये रॉकी मूवी का डायलॉग है, रॉकी मूवी देखी आप लोगों ने, रॉकी बालबोआ सिल्वेस्टर स्टैलोन की, एंड में जीतता वो है उस लड़ाई के अंदर जो मरने के लिए तैयार है, वो जीतता है। सो दैट पर्पस हैज टू बी बिगर देन यू इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग बिगर देन वॉट यू आर करेंटली। आपकी जीने की वजह बहुत बड़ी होनी चाहिए, अगर वो बड़ी है तो अपने आप ही आपसे बड़े 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 काम कराती चली जाएगी। मेरा जो डिजायर था वो डिजायर मुझसे, मेरे माइंड से, मेरी बॉडी से वो काम करवाता चला जा रहा है, अब चाह करके भी मेरा कंट्रोल खत्म हो गया है मेरे माइंड के ऊपर से, मेरी बॉडी के ऊपर से, मैं नहीं भी चाहूं तो मुझे वो करना पड़ेगा जो मेरे डिजायर्स हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, ये जो डिजायर्स हैं ये जिंदगी के हर पल में मुझे खुशी दे रहे हैं, गिविंग मी हर पल में मन कर रहा है कि पूरी तरह से जी लूं, और अगले पल में मरने का कोई डर नहीं है, जी रहा हूं ना, जी लिया, कल नहीं है, अगला पल नहीं है भाई, यही है, इसमें जीना है। वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि पर्पस कुछ ऐसा है, वो बीज ऐसा था कि अपने आप ही उसमें मिठास है। अगर वो बीज नीम का होता तो मैं रो रहा होता आज बैठ करके, बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमा लिया फिर भी बैठे बैठे रो रहे हैं, माते हुए सलवटे पड़ी हुई हैं, जिंदगी को काट रहे हैं किसी तरीके से, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्या है, कि जिस वक्त टाइम था बीज बोने का तब उन्होंने गलती से, जानबूझ करके नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने नीम का बीज बो दिया। नीम क्या है? लालच, और लालच का कोई अंत है ही नहीं। जिसके अंदर लालच है वो हमेशा कल में जिएगा, वो आज में नहीं जी सकता, कितना भी मिल जाए कुछ ना कुछ कम पड़ ही जाएगा, एंड में कम पड़ी जाएगा तो वो भागता ही रहेगा, वो कभी भी बैठ करके शांति से जिंदगी को जी नहीं सकता।
उसमें हिम्मत नहीं होगी वो करने की जो उस वक्त उसके अंदर से आ रहा है करने के लिए, क्योंकि डर होगा कि जिन चीजों को पा लिया है कहीं वो खो ना जाए, जो मैं चाहता हूं कहीं वो छूट ना जाए, लालच उनको कहीं और लेकर के जाएगा और वो करना कुछ और चाहेंगे, एंड में पिस जाएंगे पूरी तरीके से और उनको समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। डायरेक्शन लेस लाइफ, सब कुछ होगा लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं होगा, सब खाली। तो आपका वक्त है, जितने स्टूडेंट्स यहां पर बैठे हैं उनका वक्त है, मेरी अगर हो सके तो इस बात को समझो और अपने अंदर आज ही आम का बीज बो दो, अपने अंदर जाकर के डिजायर को प्लांट कर दो कि मेरे को इस दुनिया में कुछ करना है, किसी के लिए भी किसी भी तरह से कुछ करना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना। अगर मैं सिर्फ पूरी जिंदगी मरते दम तक अपने बारे में ही सोचता रहा तो इंसान बनने का क्या फायदा है, जानवर ही बन जाता, जानवर भी तो यही कर रहे हैं। खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, शिकार करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ये सब काम तो जानवर भी करते हैं, इंसान बनने का क्या फायदा हुआ। इंसान सोच सकता है, उसकी बुद्धि डेवलप हो चुकी है, जानवरों की नहीं हुई है। अगर आप लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस के स्तर पे देखो तो इंसान टॉप पर है। स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि देवी देवता भी तरसते हैं इंसान बनने के लिए, लेकिन इंसान आज जानवरों से भी नीचे गिर गया है। क्यों? क्योंकि उसके डिजायर्स उसके ऊपर हावी हो गए, उसके डिजायर्स उससे ऐसे ऐसे काम करवा रहे हैं जो बेचारा चाह करके भी उससे बाहर नहीं आ पा रहा। वो डिजायर जो अब आदतें बन चुकी हैं, जिन आदतों को वो चाह करके भी बदल नहीं पा रहे हैं, और वो बदल भी नहीं सकते जब तक कि अपने डिजायर्स को नहीं बदलेंगे। और जब वक्त था अपने डिजायर्स को चूज करने का, तब उन्होंने सही डिजायर चूज नहीं किया, तो आज वो फंस चुके हैं पूरी तरह से। मेरी बातें सुन भी लेंगे और वो चाहेंगे अपनी जिंदगी को बदलना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल उन लोगों के लिए बदलना, लेकिन आप कर सकते हो, जितने स्टूडेंट्स हैं आप कर सकते हो और आप करोगे, लिखवा करके रख लो मेरे से, मैं खड़ा हूं ना आपके सामने, आप करोगे। संदीप, आप बार बार जो बोलते हैं, जो स्टूडेंट बैठे हैं इस वर्ल्ड में, कोई भी बंदा, एवरीबॉडी इज स्टूडेंट। वेरी गुड, आई थिंक लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर इट, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। आई एम सो सॉरी अगर मैंने किसी की यहां पर फीलिंग्स हर्ट करी हो। स्टूडेंट से मेरा मतलब सिर्फ वो नहीं है कि जो अभी स्कूल्स में है, कॉलेज में, स्टूडेंट से हर वो आदमी है जिसका दिमाग खुला हुआ है। तो इसका लिंक है लर्निंग से, लर्निंग एटीट्यूड से। लर्निंग एटीट्यूड जहां खत्म हुआ वहां से आपका बुढ़ापा शुरू हो गया। एब्सोल्युटली, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। सीखते रहना है, जो सीख रहा है वो जिंदा है, जिसने सीखना बंद किया वो जिंदा लाश है। कड़वा है लेकिन सच है, कड़वा लगेगा लेकिन सच है भाई। तो क्या करना है, कैसा डिजायर अपने अंदर हमको जाकर के प्लांट करना है? बड़ा सिंपल है, एक कि मेरे को सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, अरे मेरे साथ जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, लेकिन मेरे को किसी ना किसी के काम आना है इस पूरी की पूरी दुनिया में, और वो मैं सिर्फ तब आ सकता हूं किसी के भी काम, फिर चाहे वो कोई इंसान हो, यहां पर जो लोग बैठे हैं उनके आप काम आना चाहते हो, या भगवान हो। भगवान हो, भगवान की प्रॉब्लम पता है क्या है इस युग में? उसके पास में फिट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जिनके थ्रू वो अपना काम कर सके। कहां है? आपको एक परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बनना है जिसके थ्रू इस दुनिया में किसी तरह का कोई काम हो सके, फिर चाहे ये दुनिया उस इंसान से करवाना चाहती है या वो भगवान उस इंसान से करवाना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक फिट इंस्ट्रूमेंट बनना पड़ेगा। फिट इंस्ट्रूमेंट आप कब बन पाओगे? अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी पढ़ना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे आउट। जैसे जैसे ये डिजायर आपके अंदर पनपेगा कि मुझे कुछ अच्छा करना है इस दुनिया के लिए, कब कर पाओगे? जब आप अंदर से स्ट्रांग हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो 24 घंटे, तो आप किसी का क्या भला करोगे? आप उसकी आंख में झांक करके देखोगे और अपने फायदे के बारे में सोचोगे? क्या भला करोगे किसी का? नहीं कर सकते। वो सिर्फ तब कर सकते हो जब पूरी तरह से डिजायर आपके ऊपर हावी हो जाए, कह रहे मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, इस दुनिया के अंदर अंधेरा है ना, खुद को जला दूंगा, तपा दूंगा, लेकिन रोशनी कर जाऊंगा। तपा लोगे अपने आप को पूरी तरह से,
कैसे तपाओगे? तप क्या है? तप वो है कोई ऐसा काम करना जो इस समय इस दुनिया में ह्यूमैनिटी के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए करना जरूरी है, चाहे उसमें आपको खुद को कितना भी दर्द हो रहा है। अगर आप वो कर रहे हो तो वो तप है, नहीं तो अगर अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, अपनी पावर्स एक्वायर करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आप मेडिटेशन में बैठे हो कई सालों तक, वो तप नहीं है, वो ढोंग है, वो ढोंग है, वो तप नहीं है। तपाना होगा अपनी बॉडी को, अपने माइंड को तपाना होगा, अपने ध्यान को ऐसी जगह से हटाना होगा जो ध्यान आपका खींच रहे हैं। वो सब कैसे होगा? सिर्फ एक छोटे से बीच से, मुझे कुछ करना है, कुछ भी करने के लिए मुझे कुछ बनना है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनना है जिस भी फील्ड में मैं जाने वाला हूं, चाहे मैं डॉक्टर बनने वाला हूं, इंजीनियर बनने वाला हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाला हूं, कुछ भी बनने वाला हूं, इस हद तक अपना एफर्ट डाल दूंगा उस काम के अंदर अंदर जो आज तक किसी ने नहीं लगाया होगा। एंड इफ यू कैन लिव लाइक दैट, यू कांट इवन इमेजिन द काइंड ऑफ फीलिंग दैट यू विल एक्सपीरियंस। इट कांट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, उसको वर्ड्स में नहीं बताया जा सकता वो फीलिंग क्या होगी। हर पल में आप जी रहे होंगे, हर पल में, एक दिन में जितने सेकंड्स होते हैं हर सेकंड में आप जिंदा होंगे पूरे तरीके से। मैं अब क्या करने वाला हूँ, एक छोटा सा ऑडियो प्ले करूँगा यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। आप में से कितने लोगों ने उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है यूट्यूब के ऊपर जो गुलजार ने बोली है, गुलजार साहब ने, कितने लोगों ने सुनी है? किसी ने नहीं। देखो क्या हो रहा है, हनी सिंह के गाने कितने लोगों ने सुने हैं? चार बॉटल वोडका, उसमें सनी लियोन दिख रही है डांस करती हुई। माइंड हमारा वर्ड्स में सोचता नहीं है, पिक्चर्स में सोचता है, तो जैसे ही वो गाना चलेगा माइंड के अंदर सनी लियोन आएगी, सनी लियोन आएगी, आप नेट पे जाकर के सनी लियोन सर्च करोगे, हो गया टाइम पास। क्या होगा? बोलते रहेंगे आपके पेरेंट, बेटा ये मत कर वो मत कर, नहीं मम्मा कुछ नहीं कर रहा मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन सी पढ़ाई होगी? क्यों करोगे पढ़ाई? कोई वजह ही नहीं है पढ़ाई करने की। इफ़ यू नीड अ रीजन टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू नीड अ पर्पस, जीने की कोई वजह चाहिए, कोई इंस्पिरेशन चाहिए, कौन है, कहाँ से आएगी वो? आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू ऑल, स्ट्रांगली रिकमेंड यू, इतना स्ट्रांगली मैंने कभी अपनी लाइफ में किसी के लिए रिकमेंड नहीं किया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। स्टूडेंट्स के लिए उनसे बड़ी इंस्पिरेशन इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। स्टूडेंट्स प्ले कर दो एक बार, वो ऑडियो प्ले कर दो। ९९ के रिपब्लिक डे पर देश ने मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया, मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया और डॉक्टर अरुणाचलम को भी। 10 साल पहले पद्म भूषण की यादें एक बार फिर हरी हो गई। रहन सहन मेरा अब भी वैसा ही था जैसा तब था, 10x12 का एक कमरा किताबों से भरा हुआ और कुछ जरूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था। फर्क इतना ही था कि तब यह कमरा त्रिवेंद्रम में था, अब हैदराबाद में। वेटर मेरा नाश्ता लेकर आया, इडली और छाछ, और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट मुबारकबाद की। मैं अपने हमवतनों की इस नवाजिश से छलक गया। मैं जानता हूं कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं ज्यादा रुपया कमाने के लिए, ज्यादा आमदनी के लिए, लेकिन ये आदर, मोहब्बत और इज्जत क्या कमा सकते हैं जो उन्हें अपने वतन से मिलती है? 15 अक्टूबर 1991 में 60 साल का हो गया। मुझे अपने रिटायरमेंट का इंतज़ार था, चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं। ये वो दिन थे जब मैंने सोचा कि अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे, मुशाहदे और वो तमाम बातें कलम बंद करूं जो दूसरों के काम आ सकें, एक तरह से अपनी स्वाने उम्री लिखूं, अपनी जीवनी। मेरे ख्याल में मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नज़रिए और दिशा की ज़रूरत है, तभी यह इरादा किया कि मैं उन तमाम लोगों का जिक्र करूं जिनकी बदौलत मैं ये बन सका जो मैं हूं। मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लूं, बल्कि ये कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो,
उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां हैं। जैसा कहा है किसी ने, खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा। जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर यह हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर, जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले, ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउम्मीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे, उन्हें यकीन रहे कि वो जहां भी हैं खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवाज से सारा आसमान रोशन हो जाए। देखा क्या है हाँ? ऐसे लोगों को सुनना है, ऐसे लोगों की बातें अंदर जाने देनी है। सोचो अगर आपकी भी सोच ऐसी हो जाए तो क्या होगा, सोचो। दुनिया बाद में बदलेगी, पहले आपकी जिंदगी बदलेगी। सबसे पहले दुनिया को आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक खुद को नहीं बदलोगे। एक बार अंदर ये पनप गया ना, मुझे भी कुछ ऐसा करना है यार, कुछ तो करना है, हौसला बनना है दुनिया के लिए। चाहे कुछ लोग ही मेरे को देख करके इंस्पायर हों, कुछ करना है, ऐसी थोड़ी आया और चला गया, क्या है, कुछ करना है। ऐसे लोगों को सुनना है, ऐसे लोगों की ऑटोबायोग्राफीज को सुनना है और उसकी गहराई में जाना है। द मोर यू डू इट द मोर यू विल गेट एनर्जी to make the impossible possible। वर्ड है ना ये डिक्शनरी में आप सबके, है ना, ये नहीं हो सकता, impossible है। अरे मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती, मैं क्या नहीं कर सकते आप, क्या फर्क है उनमें, डॉक्टर कलाम में, मुझ में, या ऐसे और पता नहीं कितने आए और कितने गए और कितने और आने वाले हैं, क्या फर्क है। एक झूठ है जो जाकर के आपके दिमाग में किसी ने घुसा दिया है कि फर्क है, फर्क है, फर्क है, उनके अंदर कुछ स्पेशल है, उनके अंदर कुछ स्पेशल है। अरे किसी के अंदर कोई स्पेशल नहीं है, कुछ नहीं है। जिसका डिजायर जितना बड़ा है उसकी सक्सेस उतनी ही बड़ी है।